गाइस आज हम आवल यानी कि प्लासेंटा के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के काफी क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम मेरी आवल ऊपर है, मेरी आवल नीचे है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, मेरे को प्लासेंटा प्रीविया बता दिया। मैच्योरिटी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्लासेंटल मैच्योरिटी ग्रेड 2 हो गई है, ग्रेड 3 हो गई है। आप लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए इतने सारी वीडियो सुन सुन के, इतने सारे यूट्यूबर्स को गूगल कर करके आप लोगों को काफी नॉलेज आ गई। तो आज मैं आपको प्रॉपर बताने वाली हूँ कि किस चीज के लिए घबराना है और किस चीज के लिए नहीं घबराना। बात तो समझ लो कि आवल जो होती है वो शुरू में जब बच्चा अंदर इम्प्लांट होता है यानी कि पीरियड मिस होने से पहले उसी समय बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो आवल है करीब करीब 4 महीने तक 3 महीने तक पूरे पूरे यूट्रस को कवर करती है, यानी कि 12 हफ्ते तक पूरे पूरे यूट्रस को कवर करती है। अभी ये कहीं से लू लाइन नहीं, बहुत सारे सोनोलॉजिस्ट जो है बताते हैं कि 12 हफ्ते में जो एंटी स्कैन है उसमें आपकी आवल लू लाइन आई, वो बिल्कुल ही गलत। कारण उससे भी आवल की कोई शेप ही नहीं होती, आवल ने करीब करीब पूरे पूरे यूट्रस को कवर करा हुआ। 4वें महीने में जाके ये धीरे 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 अपनी जगह ले, 4वें महीने में जाके या तो ये एंटीरियर होती है या पोस्टीरियर होती है या फंडल होती है, क्योंकि 12 हफ्ते के बाद बच्चा पूरी तरह से यूट्रस की कैविटी को कवर करता है। 12 हफ्ते के आसपास आपको हल्की सी ब्लीडिंग भी हो सकती है। कई बार जो लेडीज एंटी स्कैन के लिए आती है वो बताती है, मैडम मुझे हल्की सी ब्लीडिंग हुई, हम चेक करते हैं सब कुछ नॉर्मल होता है। वो ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि उस समय आवल ने और बच्चे ने पूरी यूट्रस की कैविटी को कवर कर लिया। जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती है, नाम मैं नहीं बताऊंगी आपके लिए बहुत ज्यादा है, हम उसको कोलोन बोलते हैं, हम उसको डेसिड्रा बोलते हैं, कैप्सुलरिस पेराइटाइनस, इन सब नाम होते हैं, ये सब आपस में चिपक जाते हैं। चिपकने से क्या होता है, जो बच्चेदानी के अंदर की जो पूरी कैविटी है उसके अंदर बच्चा आ जाता है, उस बच्चे के चारों तरफ पानी आ जाता है और पूरी इस वजह से हल्की सी ब्लीडिंग होती है और अब जो है आवल धीरे धीरे अपनी जगह लेना शुरू करेगी। तो 4वें महीने की 16वें 17वें हफ्ते पे अगर आपको फोटोग्राफी हुई है और डॉक्टर ने बोला है कि आवल नीचे है, बिल्कुल ना घबराए क्योंकि आवल अभी जगह ले रही। इनफैक्ट इवन 90% लोगों में जो 5वें महीने का एनोमली स्कैन होता है, जिसको हम लेवल 2 स्कैन या DTF स्कैन बोलते हैं, उसमें आवल नीचे आता है। कारण ये कि अभी भी यूट्रस ग्रो कर रहा है। 5वें महीने में यूट्रस कहाँ होगा, आपकी जस्ट नाभि तक आए, उसके बाद तो उसके ऊपर तक जाना है। तो जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करेगा आवल उसके साथ खिंचती जाएगी ऊपर तक। ठीक है, तो आवल अगर आपकी 5वें महीने में लो लाइन है, तो पहली बात तो लो लाइन की 3 टाइप्स होता है, मेनली 3 टाइप्स होता है। तो 3 टाइप्स में से पहला ग्रेड 1 है या टाइप 1 है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। कारण ये जो उसमें सिर्फ आपकी आवल थोड़ी सी नीचे आई है लेकिन बच्चे जाने की मुंह के पास नहीं आई। ठीक है, तो जो पूरा यूट्रस होता है उसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट। तो जो लोअर सेगमेंट है उसमें अगर आवल आई हुई है तो वो टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया, ग्रेड 1 प्लासेंटा प्रीविया है, जिससे डरने की बात नहीं होती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो या सुजरन कराना हो। ठीक है, दूसरा होता है टाइप 2 या ग्रेड 2, जिसमें कि आवल नीचे आते आते बच्चेदानी के मुंह के पास आ चुकी। ठीक है, अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक तो जस्ट पास आई है टच कर रही है, एक उसको आधा कवर कर चुकी। जैसे ये बच्चेदानी का मुंह है, अभी बिल्कुल बंद है तो इस आवल यहाँ तक आई हुई, यानी उसने टच करा हुआ है, और ये हल्का सा खुला तो आवल अगर इसको आधा कवर कर रही है तो ये भी टाइप 2 या ग्रेड 2 में ही आता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि जब आपको दर्द शुरू होगा या 9वें महीने में जब आपका बच्चा नीचे आगे हल्का सा रास्ता खुलना शुरू होगा तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, ऐसे केसेस में कभी कभी 9th मंथ में ब्लीडिंग होती है और किसी केस में सीजन होता है, किसी केस में नहीं होता, डिपेंड करता है कि बच्चा नीचे आके आवल को पीछे धक्का दे पाया कि नहीं। अगर मान लीजिए बच्चे जाने का मुंह खुल रहा है और आवल यहाँ पड़ी है, खुलते 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 आवल तो यही रहेगी, बच्चे का सिर यहाँ आ गया, तो अगर बच्चे के सिर ने आवल को पीछे छोड़ दिया, खुद आगे आ गया, तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। सिजेरियन तब होता है जब आवल के वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो या फिर आवल रास्ता ब्लॉक कर रही, बच्चे को नीचे नहीं आना। ठीक है, फिर होता है जो सबसे डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया है, टाइप 3 यानी कि ग्रेड 3। ठीक है, ये होता है जिसमें पूरा का पूरा जो आपका रास्ता है, जो बच्चेदानी का मुंह है, उस पर पूरी आवल आई गई है, पूरी तरह से कम्प्लीटली नीचे है, कोई रास्ता ही नहीं बच्चे को निकलने।
ऐसे बच्चे नॉर्मली उल्टे होते हैं या आड़े होते हैं क्योंकि उनके सिर को नीचे जगह मिलती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो ये तो हो गया प्लासेंटा प्रीवा के टाइप। अब आप पूछते हैं कि मैडम मेरा प्लासेंटा एंटीरियर है, फंडल है, पोस्टीरियर है, मैं क्या करूँ, क्या सही है? ज्यादातर जो आवल होती है वो ऊपर की तरफ यानी कि अपर सेगमेंट में होती है, फंडल में। जो फंडल प्लासेंटा होता है, फंडल मतलब क्या होता है, बच्ची दानी का जो ऊपर का हिस्सा है, अपर सेगमेंट का ऊपर का हिस्सा, जो उसका रूफ है ऊपर का, है ना, उसको हम फंडस बोलते हैं। अगर ये भी तो आप सोचो बच्चे को कितनी जगह मिल गई घूमने, क्योंकि अगर आवल यहाँ है तो नीचे पूरा एरिया खाली है बच्चे को, कहीं भी आवल बीच में नहीं आ रही है। लेकिन उसके लिए कॉर्ड लंबी चाहिए। अगर कॉर्ड यानी कि जो नाड़ होती है जो बच्चे को कनेक्ट करती है आवल से, अगर वो छोटी होगी तो ऐसे चीज में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आवल बहुत ऊपर है। बट ऐसे बच्चे जिनकी आवल ऊपर है और जिनकी नाड़ लंबी है, उनको काफी जगह मिलती है और ऐसी डिलीवरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात करें तो इन दोनों में से बेटर पोस्टीरियर वाला रहता है, यानी कि पीछे वाली दीवार। अब आप समझ लो ये बच्चा नानी है, ये इसकी एंटीरियर वॉल है, ये इसका आगे ऊपर वाला फंडस है और ये पीछे वाला पोस्टीरियर वॉल। तो अगर पोस्टीरियर वॉल पे प्लासेंटा है यानी कि आवल है, तो पहली बात तो बच्चे को वापस घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंटीरियर होगा तो बच्चे को टर्न करने में दिक्कत होगी, आवल फंसेगी। दूसरी चीज, मान लो अगर डॉक्टर को एमनियोसेंटेसिस करनी है, पेट के अंदर नीली डाल के पानी निकालना है या कोई और प्रोसीजर करना है जिसमें कि हमको बच्चे को और पानी को ठीक से देखना है, ऐसे में दिक्कत आती है, क्योंकि एंटीरियर जो प्लासेंटा होगा वो पूरा कवर कर देगा आगे वाली वॉल को, तो हमारी जो अल्ट्रासाउंड की रेज है जो हम डायग्नोज करते हैं वो हमको ठीक से नहीं दिखेगा। तो पोस्टीरियर प्लासेंटा ज्यादा बेटर है। एक तो पहले बच्चों को घूमने का अच्छा मिलता है, डॉक्टर को मुश्किल नहीं होती चेक करने में। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा प्लासेंटा एक्रिटा या सुना होगा प्लासेंटा एक्रिटा क्या होता है। कभी कभी जब आपको सिजेरियन स्कार होता है आगे, यूट्रस को ऑब्वियसली आगे से काटते हैं बच्चों को निकालने के लिए, अगर उस पे जाके प्लासेंटा चिपक गया तो वो प्लासेंटा एबनॉर्मल हो जाता। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह चिपक। एक तो पहली बात तो नीचे आ गया तो उसको प्लासेंटा प्रीवा बोलते हैं। दूसरी चीज, जो उत्तरस की दीवार होती है उस जिसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, उसमें आवल की उंगलियां ठीक से नहीं जा पाती। आवल की उंगलियों को जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, उसको ठीक से मसल के अंदर घुसना होता है जिससे ब्लड सप्लाई मिल पाए बच्चे को, और बच्चे के निकलने के बाद आवल आराम से निकल उसको एक प्लेन मिल जाए निकलने। अगर वो स्कार पे चिपक गई तो प्लासेंटा एक्रिटा बन जाता है, उसकी उंगलियां उसके अंदर जाके फंस जाती। ठीक है, ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, यूट्रस निकालने की नौबत आ जाना, कभी कभी पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और कभी कभी आवल अंदर छोड़नी पड़ जाती है, निकलती ही नहीं। तो अगर यूट्रस बचाना है क्योंकि आगे बच्चा चाहिए, तो कई बार डॉक्टर्स आवल को अंदर ही छोड़ देते, उसके बाद वेट करते हैं, धीरे 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 बॉडी इसको अपने आप खत्म करेगी। ये बड़ी डेंजरस कंडीशन होती है, इसको प्लासेंटा एक्रिटा बोलते हैं, प्लासेंटा पनक्रिटा बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो एंटीरियर प्लासेंटा के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पोस्टीरियर प्लासेंटा बेटर। आपकी आवल 18 से 20 हफ्ते यानी कि जब आपका डिटेल स्कैन होगा उस समय तक पूरा साइज अच्छा सा नहीं, करीब करीब 1 पाउंड की होती है। उसके बाद इसका वेट बढ़ता है, इसके अंदर जितनी भी चेंजेस आने हो गए थे ना, बच्चा 12 हफ्ते तक पूरा बन जाता है, 3 महीने का बच्चा उसके अंदर सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं, बाद में सिर्फ उनको बड़ा होना हो, वैसे ही आवल के साथ होता है। 20 हफ्ते में आवल पूरी बन चुकी है, जो भी उसके ब्लड वेसल्स आने हैं, उसकी दीवारें बननी है, कॉटिलेडन्स बनने, सब बन चुके हैं। उसके बाद उसको 20वें हफ्ते से 40वें हफ्ते तक सिर्फ ग्रो करना है साइज। ठीक है, अब इसकी मेच्योरिटी, मेच्योरिटी ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की तरह से चलती है। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली ग्रेड 0 ही होगा जब आवल बननी शुरू होती है, जब बच्चा इम्प्लांट हो रहा है। 12 हफ्ते के आसपास इसमें चेंजेस शुरू हो जाते हैं। ग्रेड 1 रहता है काफी देर तक, 32 यानी कि 32 हफ्ते तक ग्रेड 1 रहता है। ग्रेड 2 आता है 32 से 36 वीक्स के बीच, मोटा मोटा बता रही हूँ एवरेज। ठीक है, 36 वीक्स के बाद आपका प्लासेंटा ग्रेड 3 मेच्योरिटी हो जाता है, यानी कि अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, एक बुढ़ा प्लासेंटा हो जाता है, ओल्ड प्लासेंटा। ठीक है, यानी कि आप डिलीवरी की तैयारी हो रही है, आवल धीरे धीरे अपना काम कम कर, इसीलिए बोलते हैं कि 36-37 वीक्स पे आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, जो अंदर पानी है, वो भी कम हो जाता है। तो नॉर्मली अगर 8 से 10 या 12 AFI होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, तो अगर 36वें-37वें हफ्ते यानी कि 9वें महीने के एंड में सोनोग्राफी करें तो वही फ्लूइड 8 या 9 AFI होता है, उसको भी हम नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि आवल बुढ़ी हो गई है, उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है और वो सोनोग्राफी में बड़ी क्लियर दिखता है। सोनोग्राफी से हम बता सकते हैं कि ग्रेड 1 मैच्योरिटी है, ग्रेड 2 मैच्योरिटी है, ग्रेड 3। तो जैसे कि आपने सुना, ग्रेड 0 स्टार्टिंग में होती है, 12 वीक से लेके मतलब ये 12 हफ्ते से लेके 30-32 हफ्ते तक ग्रेड 1 रहती है, उसके बाद ग्रेड 2 हो जाती है 1-1.5 महीने तक, और लास्ट के 3-4 हफ्तों तक ये ग्रेड 3 है। ठीक है, जिसमें की डिलीवरी हो जानी। अब अगर मान लीजिए 32वें हफ्ते में आपको कई बार पूछते हैं कि मैडम ये तो ग्रेड 3 मेच्योरिटी आ रहा है तो मैं क्या करूँ, इसका मतलब आपकी आवल टाइम से पहले बुढ़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। सबको नहीं आती, मान के चलिए, मेडिकल साइंस में कोई रूल नहीं,
कुछ चीज 100% नहीं है। तो मेडिकल साइंस आपकी बॉडी हर रूल को फॉलो नहीं करती है, पर ये जो हम लोग इतने सालों से पढ़ रहे हैं, साइंस से जो डेवलप हुई है, साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करी है, उसके बेसिस में बता रही हूँ कि 32वें हफ्ते पे अगर ग्रेट की मृत्यु होती आ रही है तो बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम, आपको पानी में प्रॉब्लम, आपको जल्दी डिलीवरी होना या बच्चे के ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन IUGL, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपने बच्चे का ग्रोथ स्कैन कराना है, ध्यान रखना है प्लासेंटा में और ज्यादा कैल्शियम ना डिपॉजिट हो जाए, और ज्यादा बुढ़ी ना हो जाए, आपको अपना डॉपलर कराना है, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, यानी कि बच्चे को ब्लड सप्लाई प्रॉपर आ रही है कि नहीं। तो इस तरह से आप बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं और अपनी आंगन को मॉनिटर कर सकते हैं। जो स्मोकर्स हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, जिनको स्मोकिंग की आदत है, टोबैको च्यूइंग की आदत है, ऑब्वियसली उनके अंदर बच्चे की जो ब्लड सप्लाई होती है, जो आंवल से आती है, वो कम हो जाती है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्मोक करती हैं लेडीज, उनकी आंवल के अंदर कैल्सिफिकेशन और थ्रोम्बोसिस होता है, यानी कि जो अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो सिक हो जाते हैं, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई बच्चे को नहीं मिलती है। तो प्लासेंटा का ग्रेड 3 मैच्योरिटी होना, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स होना, ग्रोथ प्रॉब्लम्स होना, या इवन बच्चे की डेथ हो जाना, ये सब हो सकता है। तो अपना ध्यान रखें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें और हेल्दी डाइट। अब आप आंवल को कैसे हेल्दी रख सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। जितने भी आयरन रिच फूड होते हैं, यानी कि जिनके अंदर खूब ज़्यादा आयरन की मात्रा है, जैसे ग्रीन गोभी हो गया, ब्रोकली जिसको बोलते हैं, पालक हो गया, जितने भी आयरन रिच फूड जो आप एनीमिया के लिए लेते हैं, अगर आप लेंगे तो आपकी जो आंवल है उसकी हेल्थ बढ़ेगी। क्योंकि आंवल बेसिकली एक टिश्यू है जिसके अंदर खूब सारा ब्लड है, मदर का ब्लड है और बच्चे का ब्लड है, आपस में एक्सचेंज हो रहा है। माँ का ब्लड आप जितना आयरन दोगे उतना ज़्यादा बच्चे में जाएगा, उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन जाएगा बच्चे में, और उतना ही हेल्दी आपका प्लासेंटा होगा। और प्लासेंटा अगर अनहेल्दी है तो सोनोग्राफी में डॉक्टर आपको बताएंगे कि ग्रेड 3 मैच्योरिटी में जा रहा है, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने की चांसेस है, अंदर खूब सारे कैल्शियम डिपॉजिट्स दिखेंगे डॉक्टर को, और वो बोलेंगे कि मैं आपका डॉक्टर करूंगा, इसको हर 10 से 15 दिन में कराइए, आप अपना CTG यानी कि NST जो हम टेस्ट करते हैं वो कराते रहिए देखने के लिए कि बच्चा नॉर्मल है कि नहीं, और बच्चे को कोई ग्रोथ प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं। तो इतना ही आपको जानना है आंवल के बारे में, उसकी मैच्योरिटी ग्रेड 2-3 क्यों होती है और क्या करना चाहिए, प्लासेंटा प्रीवे के टाइप क्या होते हैं, और प्लासेंटा एक्रीटा क्या होता है, और पोजीशन ऑफ द प्लासेंटा फंडल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, तीनों ही नॉर्मल है, बट सबसे अच्छा पोस्टीरियर और फंडल होता है, एंटीरियर में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे को फॉलो करिए इंस्टाग्राम sonal.parihar.33 जिसमें एजुकेटिव रील्स आती रहती है। मेरा फेसबुक पेज भी आस्क ऑर्गेनिक ऑन्टिस्ट के नाम से है, इसमें हम लाइव भी जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं, और मेरी वेबसाइट है www.drsonalparihar.com, इस पे आप मेरे 5 प्रोफाइल्स देखकर कहीं भी कुछ भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से प्राइवेट कंसल्ट करना है तो ये नंबर है 9358545556, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप करिए और कंसल्टेशन बुक करिए।